करेंगे बेटा अपना तीसरा सवैया। देखो तीसरे सवैये में क्या कहते हैं रस खान जी, मोर पखा सिर ऊपर रखूंगी गुंज की माला गरे, गरे मीन्स गले, पहरूंगी पहनूंगी। अब यहां पर जो है एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है। जैसे इकट्ठे होकर खेलते हैं तो वो खेल खेल में जो है एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी तू श्री कृष्ण का रूप धारण कर, और वो क्या कहती है मोर पखा, मोर पखा मोर पंख। श्री कृष्ण जी अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करते थे, मोर पंख सिर ऊपर रखूंगी। क्या कहती है गोपी कि हे सखी मैं सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी, गुंज की माल गरे पहनूंगी। गुंज होती है जो मणिये होते हैं ना, जिनको हम चंदन के या तुलसी के मणिये बोलते हैं, उनसे बनी हुई माला, गुंज गुंजा की माला। अब वो गुंजा क्या है मणियों की, कौन से तुलसी से या जो है आपकी दूसरे उससे बने हुई जो है माला, गले पहनूंगी। जो श्री कृष्ण जो है माला अपने गले में धारण करते हैं, वो कहती है कि वो माला जो है मैं अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ी ओढ़ कर, ओढ़ी ओढ़ कर, पीतांबर, पीतांबर क्या होता है पीला कपड़ा। श्री कृष्ण कैसे कपड़े धारण करते थे, पीले रंग के कपड़े धारण करते थे, इसलिए गोपी कहती है कि पीतांबर पीले वस्त्र धारण करूंगी। ले लकुटी, ले लेकर, लकुटी लाठी। बन गोधन, क्या बनकर गोधन, ग्वालिन बनकर, गाय चराने वाली बनकर। बन गोधन ग्वारिनी, ग्वारिनी ग्वालिनों के संग फिरूंगी। संग संग जो है एक वन से दूसरे वन में है, जो है गाय चराने के लिए ग्वालिनों के साथ ग्वालिन बनकर जो है वन वन घूमूंगी। भावतो वही, भावतो का अर्थ क्या है अच्छा लगना, भावतो अच्छा लगना। वही वही मेरो रस खान, या रस खान कहते हैं कि श्री कृष्ण का प्रत्येक रूप, चाहे वो कैसा भी रूप धारण करते हो, गले में माला पहनते हो या वो जो है सिर के ऊपर मोर पंख धारण करते हो या शरीर के ऊपर पीतांबर धारण करते हो, जो भी रूप धारण करते हैं वो जो है मुझे अच्छा लगता है। सो तेरे कहे, सो इसलिए, तेरे कहे, तेरे कहे सब स्वांग, स्वांग होता है एक तरह से नाटक रचना, स्वांग क्या होता है नाटक रचना। तेरे कहे सब नाटक रचूंगी या तेरे कहे सब स्वांग जो है मैं करूंगी। या मुरली, या मुरली मुरलीधर की, मुरली बांसुरी, मुरली क्या है बांसुरी, और मुरलीधर कौन है श्री कृष्ण की। अधरान, अधरान क्या है होठों पर, अधरा होठ या होठ दोनों शब्द सही है, न धरूंगी धारण नहीं करूंगी। कहती है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सिर पर मोर पंख भी, गले में गुंजा की माला भी, शरीर पर पीले वस्त्र पहनकर गाय चराने के लिए, ग्वालिनों के साथ वन वन घूमने के लिए भी, उसका प्रत्येक रंग जो है रूप मुझे जो है प्रिय है अच्छा लगता है। तू जो कहेगी मैं वही स्वांग वही नाटक रचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो है श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अब यहाँ अधरान और अधरा जो है दो शब्द आए हैं, होठों पर और होठ, ये होगा यमक अलंकार। ठीक है, तो इसमें जो है यमक अलंकार है, और वो जो है मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए मना क्यों करती है, क्योंकि गोपी को लगता है कि बांसुरी के कारण श्री कृष्ण उनसे दूर है, वो जो है श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सोतन मानती है, क्या मानती है सोतन। उन्हें लगता है कि उस बांसुरी के कारण जो है श्री कृष्ण उनके साथ समय व्यतीत नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं और वो हर समय जो है बांसुरी बजाते रहते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर एक जैसे
स्त्री को जो है दूसरे अपने पति की स्त्री से जलन होती है, इसी तरह से गोपी को श्री कृष्ण की बांसुरी से जलन होती है और वो जो है उस बांसुरी को अपने होठों पर धारण करने से मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि उस बांसुरी के कारण श्री कृष्ण उनसे दूर है, उन पर ध्यान नहीं दे पाते, उनके साथ नहीं रह पाते हैं। और यमक अलंकार के साथ साथ जो है इसमें आपका कौन सा है, अनुप्रास अलंकार स्वांग, देखो सह की आवृत्ति के कारण, गय और गय की आवृत्ति के कारण, ठीक है, और आपकी ले लकुटी लय और लय की आवृत्ति के कारण, गोधन गवारिन और फिरूंगी संग, गय 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 और गय की आवृत्ति के कारण कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, सॉरी कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये हो गया बेटा आपका तीसरा सवैया, अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो दोबारा से।